तो जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि आज हम एक बहुत ही सरल से रेसिपी बनाने वाले हैं। तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि फास्ट फूड हम सभी बहुत पसंद होता है, लेकिन हम कई बार उसमें नहीं बना पाते उस चीज़ को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आसानी से बना लें, लेकिन हमें कई बार लगता है कि बहुत मुश्किल है फास्ट फूड बनाना। तो जी हाँ, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एक वाइट सॉस पास्ता रेसिपी, और यकीन मानिए बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगी मैं आप सभी को। तो आप ही क्या, आपके पड़ोसी भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे यदि आप उन्हें रेसिपी खिलाते हैं, परोसते हैं। तो जी हम शुरुआत करते हैं आज वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। तो हमें जो जो चाहिए वो पहले बता देती हूँ आप सभी को मैं। तो इसके लिए हमें चाहिए है थोड़ा सा घी, या फिर आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच मैदा, थोड़ा सा पास्ता जो आपने ऑलरेडी पहले ही बॉईल करके रखा हुआ हो, उसे उबाला गया हो, और हमें चाहिए इसके लिए चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। सिर्फ इन चीज़ों से आप बना सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सी डिश। तो यदि हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे वाइट सॉस, वो कैसे बनता है वो बताऊंगी आप सभी को। और एक और बात, एक बहुत ही पैसे टिप है कि आप बिना चीज़ के भी वाइट सॉस बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले वाइट सॉस बनाने से। तो सबसे पहले आप अपने पैन को गर्म कीजिए, इसमें बटर डालिए, और जब तक ये पिघलता है तब तक इसे गर्म करते रहिए आप। इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे भूनेंगे, हल्का सुनहरी रंग होने तक इसे भूनते रहेंगे। मैदा भुनने के बाद ये आपको इसमें डालना है 2 कप दूध। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने पास्ते की कंसिस्टेंसी कैसी चाहते हैं, इसको आप गाढ़ा चाहते हैं या पतला चाहते हैं, उसके हिसाब से दूध डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत घुमाने से एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें गाँठे नहीं पड़े, तो आप चलाते हुए भी इसमें दूध ऐड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि गाढ़ा हो रहा है सॉस, और जैसे जैसे गाढ़ा होता रहेगा आप समझ सकते हैं कि हमारा सॉस तैयार है। इस सॉस को आप अलग एक पैन में निकाल लीजिए, और अब हम इसी पैन में हम लेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च जो हमने पहले ही काट के रखी हुई है, और थोड़ी गाजर। अब जो चाहें वो वेजीज आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पास्ता से आप बहुत अच्छा टेस्ट बना सकते हैं। जितनी चीज़ें आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, और उतना ही सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तो हमने यहाँ पे ली कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई गाजर और कटे हुए बीन्स। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और इसको हम देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो गया, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। और अब इसे भी हम एक अलग पैन में खाली कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा पास्ता भी बॉइल्ड है हमारे पास, हमारा वाइट सॉस भी तैयार है, और हमारी वेजीज भी तैयार हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि अब हम इन सबको जोड़ के अपना वाइट सॉस पास्ता 2 मिनट में रेडी कर लें। तो हम तैयार करते हैं इसको। वाइट सॉस पास्ता हमारा ऑलरेडी गर्म है, तो इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डालेंगे जो हमने ऑलरेडी फ्राई कर चुकी हैं, और अब इसमें डालेंगे हम पास्ता, और इसको ऊपर से आप डालेंगे इसमें सॉल्ट आपके अनुसार, आप जैसा चाहते हैं, ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं सॉस, और रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो कि हमारा अब ये वाइट सॉस पास्ता तैयार हो चुका है। और एक और फ्लेवर ऐड करने के लिए बताना चाहूँगी कि हम सिर्फ पिज्ज़ा में तो बहुत ओरिगैनो खाते हैं, लेकिन यहाँ भी अगर आप चाहते हैं आपकी डिश सुपर से भी ऊपर बने तो इसे ज़रूर ऐड कीजिए ओरिगैनो। तो एट द एंड हम इसमें ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे जैसा हम चाहते हैं, और फाइनली हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी है। सो मैं चाहूँगी कि आप सभी इसको अपने घर पर भी ज़रूर ट्राई करिए, और ये मेरा आप सभी से वादा है कि आप सभी उंगलियाँ ज़रूर चाटते रह जाएंगे। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है ये, आप जल्दी से बना सकते हैं इसे, और काफ़ी अच्छा आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां भी हैं और इसमें दूध भी है, और बहुत ही इजी है ये बनाना। सो प्लीज डू ट्राई दिस, एंड विद दिस आई शोभना गोस्वामी टेक अ बाय फ्रॉम यू ऑल, एंड आई जस्ट विश दैट यू ऑल शुड सब्सक्राइब दिस चैनल किचन क्वीन, एंड आई कैन अश्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच।